लास्ट वीडियो में हमने गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट डिस्कस की थी। क्या थी स्टेटमेंट? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज, ये डिस्कस की थी। आज हम इसका प्रूफ करने वाले हैं, तो इसका प्रूफ शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे डायग्राम। डायग्राम के लिए मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड है गॉसियन सरफेस, ये मैंने ड्रॉ कर लिया गॉसियन सरफेस, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कितना है, क्यू। ये गॉसियन सरफेस का मैंने क्या किया, एक स्मॉल एरिया लेट कर लिया, स्मॉल एरिया डी एस यहाँ पे लेते देते हैं। इस गॉसियन सरफेस का स्मॉल एरिया डी एस, जिसका एरिया वेक्टर है डी एस वेक्टर, एरिया वेक्टर हमने पिछली वीडियो में समझा था। ये पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर को ड्रॉ करेंगे इसी एरिया में से क्रॉस करती इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है ये ई वेक्टर, ठीक है। तो लेट कर लिया इस जो हमारे पास ये गॉसियन सरफेस है, सर्कल सॉरी स्फीयर, इसका रेडियस है आर। ये हमारी डायग्राम है, कंप्लीट है। तो हम इसका प्रूफ शुरू करते हैं। हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, एक फार्मूला और ड्राइव किया था हमने। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है ई डॉट डी एस का क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। तो फाई इज इक्वल टू होती है, क्या बोलते थे हम इसे, क्या पढ़ा जाता है इसे, क्लोज्ड सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लोज्ड सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब हमें ये फार्मूला पिछली वीडियो में समझा था, अब हम इसे आगे करते हैं। हमें पता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हों, जैसे ये दो वेक्टर हैं, ये दो वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होती है, ए बी कॉस थीटा, क्या होती है, ए डॉट बी, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो हम ये फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड टी एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साथ में क्या आएगा, कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा इज़ अ एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, इनमें कोई एंगल नहीं है, मतलब कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0। अब कॉस 0 कितना होता है, हमें पता है कॉस 0 होता है 1, ठीक है। कॉस 0 1 है, कॉस की 0 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस इंटू 1, देन फाई क्या आ गया हमारे पास, ई डी एस, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये है कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म क्या होती है, इंटीग्रेशन से बाहर। तो हम इस कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे, तो हमारे पास आ गया ई क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी एस, तो फाई आ गया ई क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी एस। अब हम क्या करेंगे, ई की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और डी एस के इंटेग्रल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। हमें इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हमें क्या पता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई, उसका फार्मूला क्या होता है, 1/4π ε0 क्यू ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर मींस आर स्क्वायर। आर क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम में जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, उस सरफेस पे, किस सरफेस पे फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, गॉसियन सरफेस पे, इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, आर। तो इसलिए हमने ये पुट किया आर स्क्वायर, ई की वैल्यू आ गई। अब इंटेग्रल ऑफ टी एस, टी एस क्या है, डी एस
डीएस क्या है, स्फीयर का स्मॉल पोर्शन। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसका फार्मूला हमारे पास है 4πr² ठीक है। इसको इक्वेशन थर्ड लिख देते हैं, इसको इक्वेशन फोर, सॉरी इसको इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन थर्ड। सेकंड की वैल्यू और थर्ड की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास फाई क्या हुआ, ई की वैल्यू 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर, डी एस इंटेग्रल की वैल्यू कितनी हुई 4πr². सो 4π से 4π कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, तो फाई क्या रह गया हमारे पास, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम इजी करके ऐसे लिख सकते हैं 1πε0 टाइम्स ऑफ चार्ज। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसे ही हम बोलते हैं गॉस थ्योरम, विच इज स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम।